आप सब प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। कई लोग ये कहते हैं कि सनातनियों को कोई नियम नहीं है, कोई विधान नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, त्रिकाल संध्या का विधान हमारे सनातनी परंपरा में है। त्रिकाल संध्या का मतलब है प्रातःकालीन, मध्यकालीन और सायंकालीन। त्रिकाल संध्या में मनुष्य को ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, ब्राह्मणों को गायत्री का पाठ करना चाहिए, यज्ञोपवीतधारियों को गायत्री का जाप अवश्य करना चाहिए, तीनों कालों में, त्रिकाल संध्या में। अभी विशेषतः तिलक और गायत्री, ये हम सबके लिए, हम सबके मीन्स जो त्रिकाल संध्या करने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होती है। फिर भी आम मनुष्य जिनका यज्ञ कोई धारण नहीं हुआ है, जिनको गायत्री जो जाप नहीं करते हैं, तीनों कालों में जो भजन नहीं करते हैं, मैंने अपने बचपन में देखा था गांव में कि लोग सुबह और शाम मंदिरों में और घरों में भगवान का भजन अवश्य बजाते थे, आरती करते थे, दीपक जलाते थे। आज भी काफी सब जगह पे है, लेकिन एक परेशानी वाली बात यह हो रही है कि मॉडर्न युग में सिर्फ और सिर्फ ये सब चीजें हमारे घर से गायब होती जा रही हैं। सुबह और शाम भजन नहीं चलते हमारे घर में, तो जिसे पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती। शाम के समय जब दोनों वक्त मिलते हैं, उस समय भी कीर्तन हो, नाम हो, भगवान का जाप हो, अगर आप नहीं कर रहे हो तो कम से कम अपने घर में शाम के समय, सुबह के समय भजन अवश्य चलाने चाहिए। इससे हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और हम सबके लिए लाभदायक भी होता है। तो सनातनियों, धीरे धीरे अपने घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस लाने के लिए भगवान के नाम को अपने घर में सुबह शाम आने दो, बजाओ। ये मेरा आप सबसे आग्रह है। खुद को समझ में आ गई है तो औरों को भी समझाओ, ये मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ। राधे राधे।